हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एजे मेडिसिन। मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मोर पावर कैप्सूल। मोर पावर कैप्सूल के मैं आपको यूज़, डोज, बेनिफिट, साइड इफेक्ट सब कुछ बताऊंगा। आप बने रहिए इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर लो लाइक, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा मेडिसिन से रिलेटिव जानकारी इस चैनल पे लेके आता हूँ। तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं जो लोग कहते हैं कि सर हमारी हाइट नहीं बढ़ रही है, हमें हाइट बढ़ाने के लिए कुछ प्रोडक्ट बताइए। तो आज ये वीडियो उन्हीं के लिए। वैसे मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी थी स्पीड हाइट कैप्सूल, लेकिन वो मैंने 20 से कम उम्र वाले के लिए बना रखी थी। अब मैं जो बना रहा हूँ वीडियो, वो बना रहा हूँ 20 प्लस जिनकी एज है, यानी 20 से ऊपर जिनकी एज है वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो चलिए मैं पहले इसके बारे में आपको बताता हूँ। मोर पावर कैप्सूल एक आयुर्वेदिक दवा है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से हाइट को बढ़ाने में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पोषण तत्वों की कमी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे मैं बताऊँगा इसे यूज़ करने का सही तरीका, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए मैं दिखाता हूँ इसकी पैकेजिंग, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मोर पावर कैप्सूल, ये एक स्ट्रिप में 20 कैप्सूल होते हैं और इस 20 कैप्सूल का प्राइस जो होता है वो होता है लगभग 124 रुपये, और इसे कंपनी बनाती है दिविसा। आइए जानते हैं किन किन चीज़ों से ये मिलके बना होता है। इसमें होता है शतावरी, इसमें होता है अर्जुन छाल, इसमें होता है अश्वगंधा, इसके अंदर होता है आंवला, इसके साथ साथ इसमें होता है गोखरू और कोकिलक्षा और भी कई जड़ी बूटियों से मिलके बना हुआ ये। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ इसे यूज़ करने का सही तरीका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस कैप्सूल का इस्तेमाल आप ज़्यादा मात्रा में ना करें। इस कैप्सूल को आप सुबह एक कैप्सूल और शाम को एक कैप्सूल खाना खाने के बाद लें, दूध या पानी के साथ आप ले सकते हो। और अगर जिनकी उम्र 15 से 20 की है, अगर वो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, आप स्पीड हाइट कैप्सूल यूज़ करें, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो ख़त्म होने के बाद एंड स्क्रीन पर वो वीडियो आ जाएगी, आप देख लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करना चाहते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट हमें मालूम होने चाहिए, साथ साथ उसकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों की कोई प्रॉब्लम हो और वो पहले से दवाइयाँ खा रहे हों काफ़ी, तो वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें, या फिर जिनकी उम्र 30 प्लस हो गई है वो लोग भी इसका इस्तेमाल ना करें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इसके फ़ायदे। दोस्तों, बहुत लोग आर्मी में जाना चाहते हैं या फिर पुलिस में जाना चाहते हैं या फिर मॉडलिंग वगैरह करना चाहते हैं, उनकी हाइट कम होती है, तो उस कंडीशन में ये बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आप लोग इसका इस्तेमाल 3 से 6 महीना रेगुलर करते हो तो आपकी हाइट ज़रूर बढ़ेगी। बहुत लोगों को मैंने यहाँ पर दिया भी है, काफ़ी लोगों की हाइट बढ़ी है लेकिन कुछ लोगों की हाइट नहीं भी बढ़ी है। तो अगर आपको ये सूट करता है तो आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा शरीर में पोषण तत्वों की कमी है तो ये शरीर में पोषण तत्वों की कमी को दूर करता है, शरीर से कमजोरी को भी दूर कर देता है। चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ इसके साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों, वैसे तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आप इस कैप्सूल को लेते हो और आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप इस दवा को तुरंत बंद कर दें। दोस्तों, कोई भी दवाई यूज़ करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई यूज़ ना करें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। शॉर्ट वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका समय बचा सकूँ, और आसान भाषा में वीडियो लाता हूँ ताकि सब तक पहुँच सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।